दोस्तों, अगर आप एक नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 9 टेस्ट। अगर आप ये 9 टेस्ट करेंगे कैमरा खरीदने के पहले तो आपको पता चलेगा कि उस कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे निकल के आने वाली है, उस कैमरा का मैक्सिमम आउटपुट जो है वो क्या होने वाला है और एक्चुअल में वो उसके उस कैमरा के साथ आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। फिर आप जो है अपने विवेक से, अपने बुद्धि से और अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसके अंदर वो कैमरा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आपको कैमरा खरीदने में जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स और सभी वो लोग जो कि एक नया कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। शुरू करा जाए। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, यानी कि ये 9 टेस्ट अगर आप करते हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैमरा बुरा है। इसका मतलब ये है कि वो उस कैमरा की जो फाइनल आउटपुट है वो उतनी ही है, उसके आगे की चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलने वाली। इससे आपको बाकी डिसीजन लेने में आसानी होती है, मसलन कि आपको फिर उसके साथ कौन से लेंस आपके लिए ठीक रहेंगे या आपको कौन सी लाइटें उसके साथ लेनी है, ये सारे डिसीजन लेना आपको आसान होगा। तो सबसे जो पहला टेस्ट है वो आपको ये करना है दोस्तों कि उस कैमरा के अंदर आपको टेस्ट करना है कि आप उस कैमरा को डे लाइट में लेके जाइए, वहाँ पर कुछ पिक्चर शूट कीजिए। अब होता ही है कि जब हम डे लाइट के अंदर पिक्चर्स को शूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस कैमरा की कलर साइंस कैसी है, यानी कि उसके नेचुरल कलर्स, जो भी कलर वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे हैं, क्या वो कलर नेचुरल हैं, क्या उसके अंदर कोई ग्रीन टिंट, येलो टिंट या रेडिश टिंट टाइप सा तो नहीं आ रहा है। तो ये अलग अलग कैमरा जो है अलग अलग तरीके की कलर साइंस होती है, हर कैमरा का एक अपना एल्गोरिदम होता है, उसी हिसाब से जो है वो कलर प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए कि डिफॉल्ट सेटिंग पे वो कैमरा किस तरह से कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको कलर नेचुरल नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैमरा ख़राब है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा पोस्ट में जाके थोड़ा सा अपनी माइक्रो एडजस्टमेंट यानी कि सेटिंग्स को जो है कलर बैलेंस को, थोड़ा वाइट बैलेंस को, थोड़ा कलर सेटिंग्स को थोड़ा सा यहाँ वहाँ ट्वीक करना पड़ेगा ताकि वो नेचुरल कलर मिल जाए। मान लीजिए कैमरा की बाकी चीज़ें ठीक हैं, खाली आपको कलर साइंस ठीक नहीं लग रही है, तो आप उसे पोस्ट में भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट करना ज़रूरी है जिससे आपको पता चलेगा कि भाई उसकी आउटपुट ये है, उसकी क्षमता ये है। तो दैट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। तो दूसरा जो टेस्ट निकल के आता है वो आता है हमारा डायनेमिक रेंज का। अब डायनेमिक रेंज को हम आसान भाषा में समझें दोस्तों तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि द डिफरेंस बिटवीन द लाइटेस्ट टोन एंड द डार्केस्ट टोन इन एन इमेज। और आसान भाषा में समझें कि भाई उस इमेज के अंदर हमको जो है कितना प्योर वाइट या प्योर ब्लैक मिल रहा है। और आसान भाषा में समझें तो डायनेमिक रेंज भैया उसमें हमें कितनी जो उसकी हाईलाइट्स और जो शेडोज हैं वो हमें कितनी कैप्चर हो रही हैं, ताकि जब हम उस पिक्चर को बाद में पोस्ट के अंदर लेके जाएं तो हम देख पाएं कि भाई उसमें हाइलाइट्स एंड शेडोज को हम कितना रिकवर कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि भाई आप एक फ़ोटो लीजिए रॉ के अंदर और जब आप ये पिक्चर लें कैमरा में तो वहाँ पर जो आप अपना सेटिंग्स है वो आपको रखना है या तो न्यूट्रल या फिर आप फ्लैट पर रखें, स्टैंडर्ड पर ना लें, ताकि न्यूट्रल या फ्लैट में जो है आपको जो भी इस कैमरा की मैक्सिमम डायनेमिक रेंज होगी वो कैप्चर होगी और उस पिक्चर को बाद में आप लाइटरूम में खोलें या कैप्चर वन प्रो में और वहाँ पर उसकी डायनेमिक रेंज यानी कि उसके जो वाइट्स, उसका जो ब्लैक है उसके अंदर, उसमें जो हाइलाइट्स और शेडोज है उनको थोड़ा थोड़ा आप रिकवर करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से जो है वो रिकवर होती है। अगर वो अच्छे से रिकवर हो रही है वो सारी डिटेल्स, दैट मीन्स कि उसकी डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डायनेमिक रेंज जनरली जो है कुछ स्टॉप्स में वो काउंट की जाती है, तो कई कैमरा कंपनीज जो है वो दावा करती हैं कि भाई इसके अंदर 10 स्टॉप डायनेमिक रेंज है, 12 स्टॉप या 15 स्टॉप डायनेमिक रेंज है, अप टू 20 तक तो होती है कई कैमरा में डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई कार वाली कंपनी कहती है कि भाई 25 की एवरेज देगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में कार कराना चलाना कार को जो है ड्राइव करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि यार एवरेज तो जो 18 की आ रही है, कंपनी बोलती 25 की है। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर डायनेमिक रेंज अगर अच्छे से परफॉर्म आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं है तो आप ये मान के चले कि उसकी उस कैमरा का जो आउटपुट है वो उतना ही है, उसके आगे वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो आपको आसानी हो जाएगी समझने की भैया ये कैमरा जो है इसका लेवल इतना ही है। इट डजंट मीन दैट कि वो कैमरा ख़राब है, इसका मतलब ये है कि उसकी क्षमता उतनी ही है। तो आपको बाकी के एडजस्टमेंट चाहे वो लेंस में लाइट में करने हो वो आपको अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले टेस्ट की। तो अगला टेस्ट जो निकल के आता है वो आता है हमारा भैया लो लाइट टेस्ट। अब लो लाइट टेस्ट के जो है वो आप ज़रूर करिए, यानी कि आप जो है शाम के 5-6 बजे के बाद में जो है अपने कैमरा के साथ में टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि लो लाइट के अंदर कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या लो लाइट के अंदर भी जो है जनरली अगर डे लाइट में उसके कलर्स अच्छे हैं तो लो लाइट में भी जो है कलर साइंस उतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन लो लाइट के अंदर आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या पिक्चर जो है
बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ रहे हैं, या लो लाइट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क है या नहीं है, तो जैसे भी परफॉर्मेंस है उसकी, तो उससे आपको पता चलेगा कि लो लाइट के अंदर भाई इस कैमरा का जो आउटपुट है वो इतना ही है। तो उस सच को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये टेस्ट करना ज़रूरी है जिससे आपको पता चलेगा। आप लो लाइट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों टेस्ट करने के, मसलन कि आप कौन सा कैमरा ले रहे हैं, कौन सा कैमरा टेस्ट कर रहे हैं, क्या वो एक फुल फ्रेम सेंसर है या फिर APS-C सेंसर है या माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है, उसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। फुल फ्रेम कैमरा है तो वहाँ पर लो लाइट थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, APS-C सेंसर है तो वहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज हो जाती है कई बार, डिपेंडिंग अगेन ऑन द फैक्टर कि कितने मेगापिक्सल का है उससे भी फर्क पड़ता है, या कितने कम मेगापिक्सल का है, कम मेगापिक्सल का है तो लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इवन माइक्रो फोर थर्ड सेंसर में भी कि अगर मेगापिक्सल्स कम है और सेंसर का साइज छोटा है तो भी आपको पिक्चर्स जो है उसमें लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट जो भी आप कैमरा टेस्ट कर रहे हैं उसका आप लो लाइट में जरूर टेस्ट कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि लो लाइट में हमें पिक्चर्स कैसी मिल रही हैं। तो ISO को भी जो है दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट करना है, अलग अलग ISO के ऊपर जो है आप बेसिकली समझना भैया ISO में होता ही है कि जितना आप ISO बढ़ाएंगे उतनी फेक लाइट क्रिएट होती है, यानी कि मोर ISO मोर फेक लाइट। तो यहाँ आप देखिए कि कौन सी ISO यानी कि मोर यानी कि ऊपर ISO बढ़ाने में फेक लाइट यानी कि पिक्चर को डिस्ट्रॉय करना चालू करती है, यानी कि उसमें ग्रेन्स आना, नॉइज आना या पिक्चर आर्टिफिशियल लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर मान लीजिए उसका 1600 का लेवल है, उसके बाद पिक्चर जो है थोड़ी सी आपको ग्रेनी नज़र आ रही है, नॉइज़ आने लगा या पिक्चर अननेचुरल लग रही है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसका ISO का 1600 का ही कैपेसिटी है, यानी कि वहाँ तक कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इट डिपेंड्स अगेन ऑन कैमरा टू कैमरा, बट अगर मान लीजिए 1000 के बाद ही ISO के बाद ही अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी जो कैपेसिटी है 1000 के ऊपर है, इसकी जो ISO कैपेबिलिटीज़ हैं वो 1000 के ऊपर नहीं है। मीन्स 1000 तक इट विल गिव यू फैंटेस्टिक रिजल्ट्स, आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू मेक अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लेंसेज और लाइट्स या फ्लैश गन्स जो भी आपको अलग डालना है। तो यहाँ मैं अगेन आपको एक बात बता दूं कि अगर कहीं पे परफॉर्मेंस नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, डजंट मीन दैट कि वो कैमरा बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। टेस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, एक्चुअल क्षमता कैसी है, ताकि आप बाकी के फैक्टर्स पे भी ध्यान दे सकें। अब अगले टेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो निकल के आता है शार्पनिंग का टेस्ट। तो यहाँ पर आपको शार्पनेस कैसे टेस्ट करनी है, आप कैमरा सेटिंग कैमरा मेन्यू में जाइए, वहाँ पर आप शार्पनिंग को जीरो करिए और जीरो करने के बाद में जो है पिक्चर्स को लीजिए। अगर पिक्चर्स आपकी जो है जीरो शार्पनिंग करने के बाद में अच्छी डिटेल के साथ में आ रही हैं तो मान के चलिए कि उसका जो शार्पनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। अब अगेन यहाँ पर मैटर ये भी ये डिपेंड करता है कि आप लेंसेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप किट लेंस के साथ में यूज़ करें तो आपने शार्पनिंग को जीरो रखा मेन्यू में, पिक्चर्स ली और आपको लगा कि नहीं पिक्चर्स मुझे शार्प नहीं मिल रही हैं, क्रिस्पी नहीं मिल रही हैं, दैट मीन्स कि जीरो रखने के बाद आपको हो सकता है कि पोस्ट के अंदर थोड़ा शार्पनिंग को एनहेंस करना पड़े, या आप एक या दो पॉइंट ऊपर शार्पनिंग लेके जाके फिर टेस्ट कीजिए और देखिए किट लेंस के साथ में परफॉर्मेंस अच्छा है। दैट मीन्स कि कैमरा की परफॉर्मेंस शार्पनेस जहाँ तक सवाल है, शार्पनेस जो है इमेजेस में आपको अच्छी खासी मिल रही है उस कैमरा के साथ, बट शार्पनेस का टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आपको उस कैमरा का आउटपुट पता चले एज फार एज शार्पनिंग इज कंसर्न, शार्पनेस इज कंसर्न। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है। आगे के टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों निकल के आता है ऑटो फोकस टेस्ट। अब ऑटो फोकस टेस्ट का मतलब ये है दोस्तों कि ऑटो फोकस यानी कि अब किसी कैमरा का ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा होता है, किसी का खराब, इट डजंट मीन दैट कि अगर स्लो है तो कैमरा खराब है, उसका मतलब इतना ही है कि कैमरा की ऑटो फोकस परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ऑटो फोकस ठीक से हो रहा है। अब यहाँ टेस्ट में आपको देखना है कि ऑटो फोकस कितनी तेजी से होता है, यानी कि ऑटो फोकस तो सभी कैमरा करते हैं, कोई बोलता है मेरे कैमरा में 9 ऑटो फोकस पॉइंट्स है, कोई कैमरा कंपनी बोलती है कोई पर्टिकुलर मॉडल में 51 पॉइंट्स हैं, मिररलेस में तो आजकल 100 के ऊपर फोकस पॉइंट्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो कुछ भी हो, फोकस पॉइंट्स कितने भी हो, लेकिन आपको देखना है कि ऑटो फोकस किस स्पीड से हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है। जैसे कि ऑटो फोकस सिस्टम आप देखोगे कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है या फेस डिटेक्शन जो आजकल ऑटो फोकस सिस्टम आ रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि अगर कॉन्ट्रास्ट बेस है तो हो सकता है थोड़ा स्लो ऑटो फोकस करे वो, बट अगर एक्यूरेट कर रहा है, ठीक कर रहा है, टाइम लेके कर रहा है, स्लो कर रहा है, बट आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, यू आर हैप्पी विद इट, देन वो कैमरा ठीक है। एट द सेम टाइम अगर फेस डिटेक्शन के साथ में जो है ऑटो फोकस जो है वो अच्छे से फास्ट हो रहा है या ठीक स्पीड से हो रहा है तो वो कैमरा भी ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर ऑटो फोकस स्लो कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, तो भी ऑटो फोकस जो है वो ख़राब नहीं है। उससे हमें ये पता चलता है कि भाई ऑटो फोकस जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फास्ट है, स्लो है, एवरेज है, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई ऑटो फोकस जो है वो परफॉर्म कैसा करता है मेरे कैमरा में। अगेन यहाँ पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, उस लेंस का जो है नेटिव लेंस है या कोई और लेंस के साथ में उसे टेस्ट कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर भी काउंट होते हैं, बट टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चलेगा जो भी आपका डिवाइस है, जो भी अपरेटस है, आपका कैमरा एक मशीन है, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम
आउटपुट है, ताकि आपको बाद में अगर आपको लेंसेज लेने हैं तो आपको आसानी हो जाएगी भाई कौन से लेंसेज उस पर लगाऊँ ताकि ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट टू बेस्ट मिले। अब कोई कैमरा तो कोई भी परफेक्ट होता, महंगे से महंगा कैमरा में भी जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ भी मिलेंगे, बट टेस्टिंग से पता चलता है कि वो हमारे कितने काम की है, क्या वो फीचर्स वाकई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो फैसला लेना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जो अगला टेस्ट निकल के आता है दोस्तों, वो निकल के आता है हमारा भैया ग्रिप का टेस्ट। अब ग्रिप टेस्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई कैमरा लें तो भाई उसको आप थोड़ा सा पकड़ के देखें कि आपको हाथ में वो कैमरा कैसे फील हो रहा है, किस तरह की उसकी ग्रिप है। काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई उनके हाथ का साइज़ बड़ा होता है या छोटा होता है, और कैमरा की भी जो ग्रिप है वो अलग अलग शेप की होती है। तो जो भी आप कैमरा खरीद रहे हैं आप पहले उसको अच्छे से हाथ में होल्ड करके देखिए कि वो कैमरा आपको हाथों में कैसा फील होता है। कई बार ये होता है कि कैमरा बहुत अच्छा है, उसके फीचर्स भी आपको अच्छे लगे, हर चीज़ पसंद आई, लेकिन आप जब उसको पकड़ते हैं हाथों में तो एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी जो है फीलिंग होती है कि आपको ठीक नहीं लगता कि ग्रिप है, या आपको लगता है थोड़ा स्लिपरी है, या आपको लगता है कि यार उसको थोड़ा सा होल्ड करने में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। आप कई बार लोग कैमरा खरीद लेते हैं और बाद में उनको ये थोड़ा जो है प्रॉब्लम आती है कि भाई उसको पकड़ने में उनको ठीक नहीं लग रहा है, या बॉडी उनको काफ़ी छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है, या एक छोटा सा जो है उनको एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला जो है एक फीलिंग सा आने लगता है। तो ग्रिप टेस्ट भी आप ज़रूर करिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कैमरा खरीदने से पहले जो है, ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों आपको एक टेस्ट की और सलाह दूंगा, वो टेस्ट ये रहेगा कि भाई आपको जो भी लेंसेज खरीदने हैं, जो भी आप लेंसेज प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, उन लेंसेज के साथ में उस कैमरा को आप ज़रूर टेस्ट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि भाई मान लीजिए मुझे एक कैमरा बॉडी लेनी है, मान लीजिए सोनी A7 III, अब मैं उसके साथ जो भी लेंसेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, चाहे मैं नेटिव लेंसेज हों या थर्ड पार्टी लेंसेज, तो जो भी मुझे लेंस लेने हैं मैं उन लेंसेज को कोशिश करूँगा उस पर लगाऊँ और टेस्ट करूँ, उससे मुझे पता चलेगा कि इस लेंस का और इस बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ कैमरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लेंसेज, क्योंकि लेंसेज से ही जो है आपकी इमेज में डिटेल आती है, आपकी इमेजेस जो है शार्प नज़र आती हैं। अच्छे लेंस, जितने अच्छे लेंस होंगे उतना ही अच्छा आपका कैमरा भी जो है अच्छे से परफॉर्म करेगा, उतनी डिटेल आपको कैप्चर करके देगा। तो यहाँ पर जो भी आपको लेंसेज लेने हैं उनको भी आप लगाइए और टेस्ट कीजिए, और फिर देखिए कि उस कैमरा की जो आउटपुट है वो कैसी निकल के आ रही है, और आपको अगर अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप उस कैमरा के साथ में जा सकते हैं। सो ट्राई विद डिफरेंट लेंसेज ऑल्सो, ये टेस्ट भी जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको एक टेस्ट जो मैं बोलूँगा वो आपको करना है, वो है अपने दिल का टेस्ट। और ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये आपको अपने दिल से पूछना है, क्या वाकई जो भी कैमरा बॉडी का आप टेस्ट करने जा रहे हैं या आप खरीदने जा रहे हैं, क्या वाकई ये कैमरा बॉडी आपको चाहिए, क्या वाकई इस कैमरा बॉडी की आपको ज़रूरत है, क्या वाकई वो फीचर्स आपकी फ़ोटोग्राफी में काम आने वाले हैं। कई बार लोग कैमरा बॉडी देखा देखी में खरीद लेते हैं एक ऐड पढ़ के या कंपनी की मार्केटिंग से, बाद में जब वो यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि भाई इसके आधे से ज़्यादा फीचर्स उन्होंने कभी यूज़ किए ही नहीं या उनके काम के ही नहीं थे। तो यहाँ पर बॉडी टेस्ट करने से पहले आप उनके फीचर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और अगर आपको लगता है कि ये फीचर्स मेरे फोटोग्राफी में मुझे काम आने वाले हैं तो आप इन नॉ टेस्ट को आप ज़रूर करिए। आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि भाई मेरा फाइनल में जो मेरा कैमरा आने वाला है उसके साथ मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, जितने टाइम भी आप उस कैमरा को रखेंगे। तो यहाँ पर कैमरा और साथ में जो लेंसेज हैं उनका आप थोड़ा सा आप पहले डिसाइड कीजिए और फिर आप टेस्टिंग कीजिए। या एक बात और मैं बता दूँ, आप डीलर से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई आपको एक दिन या दो दिन के लिए वो कैमरा टेस्ट करने के लिए दे दे, नहीं मिल पाता तो एक या दो दिन के लिए आप रेंट आउट कर सकते हैं। हज़ारों लाखों रुपए लगाने से पहले कि दो दिन का रेंट या एक दिन का रेंट भर के आप उस कैमरा को टेस्ट कर लें, ताकि एक दिल की तसल्ली रहे, या किसी दोस्त के पास में आपका वो कैमरा है जो भी फोटोग्राफी करता है आप उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि डीलर को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, आजकल कॉम्पिटिशन का ज़माना है तो कोई भी डीलर आपको अलाउ ज़रूर करेगा। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो तो एंड में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, और चैनल दोस्तों अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।